कोरोना जैसी महामारी को लेकर प्रदेश सरकार कतई गंभीर नहीं है। अब सरकार पर ही कोरोना को फैलाने के पुख्ता आरोप लग रहे हैं। कोरोना को लेकर सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून लागू हो रहे हैं, जबकि आम जनता और विपक्ष के लिए अलग कानून लागू हो रहे हैं। ये आरोप राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने लगाए। राणा ने कहा कि अगर विपक्ष या जनता में से कोई कोरोना एसओपी को तोड़ रहा है तो एसओपी तोड़ने के तहत कार्रवाई हो रही है, जबकि सत्ता पक्ष और सरकार की तरफ से कोई एसओपी तोड़ रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे तो बेहतर है कि सरकार आम जनता और विपक्ष के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी करे व अपने लिए अलग नोटिफिकेशन जारी कर ले, ताकि जनता समझ सके कि एसओपी तोड़ने पर कार्रवाई सिर्फ जनता पर ही होगी, सत्ता पक्ष पर नहीं। राणा ने कहा कि अगर सरकार को ही सत्ता का दुरुपयोग करते हुए एसओपी को दरकिनार करना है तो ऐसे में सरकार प्रदेश की जनता के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी करे व अपने लिए अलग नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि जनता समझ सके कि कोरोना की एसओपी सिर्फ जनता पर ही लागू होगी। उन्होंने कहा कि अब जनता को सबसे बड़ा खतरा सरकार से होने लगा है, क्योंकि सरकार कोरोना की एसओपी को मान नहीं रही है व विपक्ष जनता पर इसे लागू करके मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि अब तक बीजेपी के कितने नेताओं, मंत्रियों व उनके सहयोगियों पर एसओपी तोड़ने के आरोप में कार्रवाई हुई है। अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? क्या कोरोना को लेकर जनता व सरकार के लिए अलग अलग कानून है? महामारी के इस दौर में हिमाचल प्रदेश की जनता ने सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई उसका पूरा समर्थन किया, सहयोग किया, और आज हिमाचल प्रदेश में ऐसा लगता है कि हिमाचल सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। दो कानून हिमाचल प्रदेश में इस कोरोना के इस दौर में कोविड-19 में चल रहे हैं, जो सत्ता पक्ष से संबंध रखने वाले हैं उनके लिए अलग कानून है। वो सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मंत्रियों से लेकर आम जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले नेता हैं वो लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, कोरोना कैरियर भी बन रहे हैं, और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, विपक्ष हो, और आम जनता के लिए अलग कानून है। मुझे लग रहा है दोहरे मापदंड जो हिमाचल प्रदेश में अपनाए जा रहे हैं ये सरासर गलत है और जनता के साथ अन्याय है।